हो जाएगा, सही है। शुरुआत मानेंगे फिर हम नए टॉपिक से, ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये बात समझना, समझ में नहीं आता एडवांस में आ जाता है, नया टॉपिक शुरू होगा तब, सही है। तो एक तो आपने पढ़ लिया माध्य, एक पढ़ ली माध्यिका, एक पढ़ लिया बहुलक, जैसे कि ये डेटा है हमारे पास, सही है, ये हमारे पास एक डेटा है। अब मैं पूछूं आपसे, अच्छा थोड़ा बदल दें, 8 8 9, ओके दोनों समान हो जाएंगे, है ना, माध्य माध्य का 9, सही है, 1 2 3 4 5, ठीक है भैया। तो पहले आप बताएंगे माध्य का, माध्यिका होती है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो जोड़ो इन्हें, 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 9, कितने पद ही हैं, सॉरी माध्य भैया, ठीक है, तो माध्य, तो ये पद हो गए आपके 5, भाग लगा दो, 9 9 18, 18 और 8 26 और 5, 31 और 2 33 बटे 5, 5 6 30, 5 6 30, ये हो गया आपका माध्य, ठीक है। 6 माध्य का मध्य पद, जो भी मध्य में हो, तो मध्य पद की अगर बात करें तो मध्य में कौन है, 8, तो ये हो गई आपकी माध्य का, सही है। बहुलक, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आए, ठीक है, जो संख्या ज्यादा बार, तो ज्यादा बार कौन आया इसमें, 9 ही 2 बार आया है, बाकी सब तो 1 1 2 2 बार, तो ये 9, ठीक है, तो ये 9 हो गया आपका बहुलक, जो ज्यादा बार, तो 2 1 बार, 5 1 बार, 8 1 बार, 9 2 बार, ठीक है। अब इसमें आता है एक प्रसरण, प्रसरण, ठीक है, ये क्या चीज होती है प्रसरण, जो चीज होगी ना, इसके लिए क्या करेंगे, जो माध्य कितना है 6.6, इनका अंतर करना है बड़े में छोटा, मतलब जैसे ये इत्तेफाक से पॉइंट में आया है, राउंड में आता तो ज्यादा अच्छा होता, फिलहाल पॉइंट में ही सही, चलो है तो है, क्या करें, ठीक है। तो प्रसरण, प्रसरण समझो क्या होगा, जैसे ये है 6.6 और ये है 2, इनका अंतर, इनका अंतर 4.6, तो क्या होगा, 4.6 का वर्ग प्लस इनका अंतर 1.6 का वर्ग प्लस 8 और 6.6, तो 8 गए तो भैया 1.4 का वर्ग प्लस 9 और 6.6, 2.4 का वर्ग प्लस 9 और इसका अंतर 2.4 का वर्ग, सही है। तो प्रश्न क्या चीज होगी, जो माध्य होगा वो और जितने पद हैं उनका जो अंतर होगा उसका वर्ग। वैसे इसमें कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव आते हैं, लेकिन स्क्वायर करने से नेगेटिव तो इग्नोर ही हो जाता है, इसलिए हमने माइनस लगाया नहीं है। वैसे क्या होता, कायदे से कुछ वैल्यू नेगेटिव आती है आगे की, और 8 के बाद जो आती है वो पॉजिटिव आती है, लेकिन स्क्वायर करके तो सब खत्म ही हो जाना है, इसलिए माइनस का वहां कोई रोल है नहीं, ठीक है। तो इनके अंतर का वर्ग बटे कितने पद हैं, ये 5, ये जो भी आएगा सॉल्व हो गया, ये होगा प्रसरण, ठीक है। इसके बाद एक आ जाएगा मानक विचलन, इसके लिए अंडर रूट प्रसरण,
ये जो भी वैल्यू आती है सॉल्व करके, जो प्रसरण जैसे हम कह रहे हैं, इसका वर्गमूल। इंग्लिश में अभी देखने पड़ेंगे इंग्लिश में, ठीक है? मीन, मीडियन, मोड, और ये देखेंगे अभी क्या कहते हैं, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मुझे भी याद आ गया अभी, ठीक है? तो ये वेरिएंस, मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है? ये हो गया। और क्या आता है, एक एक वो आता है गुणांक, प्रसरण गुणांक, एक गुणांक करके और आता है, एक टर्म और है, विचरण गुणांक, कोफिशियंट ऑफ वेरिएंस, वेरिएशन, विचरण गुणांक, एक आ गया विचरण गुणांक, विचरण ठीक है, कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है? विचरण गुणांक, विचरण गुणांक के लिए मानक विचलन, बटे माध्य, गुणा 100, ये परसेंट में आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, तो एक ही आएगा कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन, मानक विचलन बटे माध्य गुणा 100%, ठीक है? तो ये मुख्य आपकी रूटीन टर्म हो गए, जो स्टेटिक्स में हमारे वन डे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? अब कोई इक्का दुक्का दवा छुपा रह गया होगा, उसे और ढूंढ लेंगे, जैसे वो कल था एक, वो देख नहीं पाया मैं क्या था वो, डेंसिटी, किसकी डेंसिटी थी वो, फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी डेंसिटी टर्म कल और आया था, है ना, उसे देख लेंगे। तो ऐसा कोई और नया टर्म निकल आया तो उसे देख लेंगे, बाकी ये कॉमन टर्म है जो हमें स्टैटिक्स में पढ़ने होंगे। रेंज, एक रेंज और रहेगी भैया, बात बहुत सही बात कही भैया, एक रह गया भैया रेंज, परास। इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या ना, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, जो सबसे बड़ी संख्या हो रेंज, तो सबसे बड़ी कौन है इसमें, 9, सबसे छोटी कौन है, 2, तो रेंज हो गई 9 माइनस 2 यानी 7, डेटा की रेंज, जो डेटा है उस डेटा की रेंज क्या है, मिनिमम वैल्यू 2 है, मैक्सिमम कितनी है, 9 है, तो रेंज 2 से लेके 9 तक 7 ही तो रेंज आई, तो एक रेंज भी आती है इसमें, ठीक है? रेंज क्या है, बड़ा आंकड़ा, हाईएस्ट डेटा जो भी है, माइनस स्मॉलेस्ट जैसा, बड़ा आंकड़ा जो भी हो माइनस छोटा आंकड़ा, जो भी डेटा आपके पास सबसे बड़ा है उसमें से सबसे छोटे को घटा घटा दो, यानी सबसे बड़ा 9 है, सबसे छोटा 2 है, तो जो रेंज होगी वो 9 माइनस 2 परास, ये एक टर्म है जो पूछा जाता है, ठीक है? और कोई टर्म निकले आएगा तो उसे देखेंगे, ये तो रूटीन टर्म है ही, रेंज भी एक रूटीन टर्म में आता है आमतौर से, रेंज का डेटा दे देगा, रेंज बताओ, सबसे बड़ा ढूंढो, सबसे छोटा ढूंढो और घटा दो, ठीक है? तो अब इन शब्दों की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है? ये जितने टर्म लिखे हैं इनमें से, इनकी तो वैसे हमने कर भी ली थी इसमें, सिंपल वाले, हाँ इनके वो रह गए हैं दो क्वेश्चन चार्ट वाले, इसका तो चार्ट वाला कर ही लिया, इन दोनों के चार्ट वाले रह गए हैं, वो अलग पार्ट है, अलग से कर लेंगे, उसका फॉर्मूला है बस, वो कुछ नहीं लगा देंगे, लेकिन फॉर्मूले से मुश्किल होता है वो, थोड़ा प्रैक्टिकल वे में करेंगे जल्दी हो जाएगा आसानी से, फॉर्मूला परेशान करता है, तो वो देखने हैं बस, बाकी ये सारे आपके टर्म आ गए, अब इनके सवाल लिख लेते हैं, ठीक है? हो गए नोट, तो बस इन बातों को दिमाग में रखें और करते हैं कुछ सवाल।
देखें भैया, सवाल पहला, यदि माध्य 25 है, यदि माध्य 25 है और मानक विचलन 5 है, मानक विचलन 5 है, तो पूछा है विचरण गुणांक, कोफिशियंट ऑफ वेरियंस क्या होगा? ठीक है, ए 48%, बी 27%, सी 20% और डी 60%। 20%, ठीक है। तो फॉर्मूला था इसका, विचरण गुणांक का, विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन बटे माध्य गुणा 100%। ठीक है, तो मानक विचलन 5 25 गुणा 100, 20%। ठीक है, तो विचरण गुणांक होगा कितना? 20%। हो गया, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित आंकड़ों का मानक विचलन ज्ञात करें। निम्न आंकड़ों का मानक विचलन ज्ञात करें। ये आंकड़े क्या है? बेहद छोटे, 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7। ये थैंक यू भैया, पानी देना। ठीक है, ऑप्शन ए √2, ऑप्शन बी √6, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी √3। तो मानक विचलन के लिए पहले निकलेगा प्रसरण, उसका अनरूट कर देंगे, पहले निकलेगा माध्य, माध्य के बाद प्रसरण, प्रसरण के बाद मानक विचलन, 3 स्टेप में होगा ना। पहले तो माध्य निकलेगा, फिर निकलेगा प्रसरण वेरियंस और फिर मानक विचलन रूट लगाने के बाद। तो पहला पॉइंट हम निकालते हैं इसमें माध्य, तो जोड़ लो भैया, 3 और 4 7 और 7 14 और 6 20 और 5 25, 25 बटे कुल कितने पद हैं ये? 5। तो भैया ये हो गया 5। ठीक है, प्रसरण पांच और तीन का अंतर, तो 5 और 3 का अंतर 2 का वर्ग प्लस 5 और 4 का अंतर 1 का वर्ग प्लस 5 और 5 का अंतर 0 का वर्ग प्लस 5 और 6 का अंतर 1 का वर्ग प्लस 5 और 7 का अंतर 2 का वर्ग और बटे 5। तो 4 और 1 5 और 5 10, 10 बटे 2, 10 बटे 5 यानी कि 2। तो प्रसरण कितना आ गया? 2, और मानक विचलन के रूट लगाओगे अंडर √2, सही है। तो मानक विचलन के लिए अंडर √ प्रसरण मतलब कि √2। ठीक है, तो आंसर ए, माध्य प्रसरण मानक विचलन। ठीक है, और मानक विचलन के बाद निकलता विचलन गुणांक, इसके बाद विचरण गुणांक, क्योंकि उसमें दो चीज चाहिए, मानक विचलन चाहिए माध्य चाहिए। तो पहले नंबर माध्य निकलता है, दूसरे नंबर प्रसरण निकलता है, तीसरे नंबर मानक विचलन निकलता है, चौथे नंबर पर जाके निकलता है विचरण गुणांक। और विचरण गुणांक के लिए क्या करते हैं? मानक विचलन बटे माध्य
गुणा 100, ठीक है। तो रूट 2/5 गुणा 100, 20√2%, 20√2%। तो चौथे नंबर पे जाके निकलता विचरण गुणांक, ठीक है। तो क्रम है इनका, इसी ऑर्डर में फॉलो होंगे। बात समझ में आई? आगे देखो, एक चीज है इसमें, छोटी सी बात। इसमें जैसे ना, कई बार ऐसा होता है कुछ गुना वुना कर देते हैं ना, हर संख्या में 200 गुणा कर दे, हर संख्या में 300 गुणा कर दे। तो एक तो माध्य, हर संख्या में किसी से गुणा किया तो माध्य भी उतने गुना हो जाता है, ठीक है। माध्य का हर संख्या में किसी चीज से गुणा किया, माध्य का भी उतनी हो जाएगी। इसके बाद मानक विचलन, हर संख्या में जिससे गुणा करोगे मानक विचलन भी। तीन चीजें हो गई, कौन कौन? माध्य, माध्यिका और मानक विचलन। हर संख्या में किसी चीज से गुणा करें तो ये तीनों चीजें उतनी गुणा हो जाती हैं। क्लियर है? माध्य, माध्यिका और मानक विचलन, पूरे जो डेटा है ना ऊपर का, उस डेटा में जिससे भी गुणा करेंगे हर संख्या उतने गुणा हो जाएगी, सही है। और बहुलक भी हो जाएगा, हर संख्या में गुणा करोगे 9 का 18 हो जाता, बहुलक भी तो हो जाता। डेटा को डबल करेंगे तो 9 2 बार आ रहा था, वहां 18 2 बार आता, बहुलक भी हो जाता। हर संख्या में गुणा करेंगे बहुलक। प्रसरण की बात करें अगर, है नहीं, प्रसरण नहीं होगा, परास, परास हो जाएगा। हर संख्या में 200 गुणा किया, परास भी दोगुना हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो हर संख्या पर काम करेंगी, ठीक है। और बात करें अगर विचरण गुणांक की, इस पर कोई फर्क नहीं, ये तो परसेंटेज है, परसेंटेज तो उतनी होगी जितनी है। ये भी दुगुना होगा, ये भी दुगुना होगा, 2 से 2 कटेगा, इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगर किसी भी संख्या में 200 गुणांक करें तो दुगुनी की चीज क्या होगी? माध्य होगा, माध्य का होगा, बहुलक होगा, मानक विचलन होगा और परास भी होगा। इस पर सवाल आ जाते हैं कई बार, जैसे। तो ये चीजें या तो हाईलाइट कर लो या ध्यान रखना, अगर दुगुना करेंगे या तिगुना करेंगे तो ये सारी चीजें डबल हो जाएंगी, सही है। क्योंकि कभी सवाल इस पे आता है, कभी इस पे आता है, कभी इस पे आता है, आ जाते हैं सवाल दुगने बुगने के, ठीक है। तो डायरेक्ट ये चीजें डबल होनी है, माध्य, माध्यिका, बहुलक, मानक विचलन और परास। अगर हर संख्या में गुणा कर दिया तो ये संख्या उतने गुना होनी होनी है अपने आप से ही। तो फिलहाल मेरे पास जो सवाल मिला है मुझे, ये मिला है मानक विचलन का, ठीक है। हो गई चीज हाईलाइट, ये नोट हो गया, ठीक है। ये हाईलाइट कर लो, हर संख्या दोगुना होगी अगर किसी संख्या में 2 से 2 गुणा करेंगे ना, तो ये हर चीज डबल हो जाएगी, ठीक है। चलो अब सवाल क्या है हमारे पास? सवाल ये है, 5 मानों का प्रसरण, 5 मानों का प्रसरण 16 है, 5 मानों का प्रसरण 16 है। यदि प्रत्येक मान दुगुना हो, यदि प्रत्येक मान 2 गुना हो जाए, यदि प्रत्येक मान दुगुना हो जाए तो नए मान का मानक विचलन, क्या होगा? नए मान का मानक विचलन क्या होगा? पहले पुराने का ही निकाल लो, पहले पुराने का ही निकाल लें। तो मानक विचलन के लिए क्या था? मानक विचलन बराबर अंडर रूट प्रसरण, नहीं था प्रसरण, यही तो था मानक विचलन। और प्रसरण कितना है? 16। तो 16 का वर्गमूल 4, यानी पुराना मानक विचलन 4 है पुराना। अब हर मान को दुगना करोगे तो मानक विचलन भी दुगना हो जाएगा, तो 4 की जगह
8 हो जाएगा भाई, पुराना तो 4 ही है। अब यही बताया था अभी कि हर मान दोगुना करेंगे तो मानक विचलन पर क्या प्रभाव पड़ता है, दोगुना ही हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपका इनिशियल प्रारंभिक। फाइनली उत्तर डबल करने के बाद जो होगा 4 दूनी अब 8 होगा। ऐसे माध्य के संग होता, माध्यिका के संग, माध्य में सवाल तो बहुत सारे आते हैं ऐसे डबल वबल करने वाले। ठीक है, और मानक विचलन में भी आते हैं। एक ये देखो छोटा सा ही सवाल है, एक बंटन का मानक विचलन 6 है, बंटन यानी डेटा, विचलन 6 है तो उसका प्रसरण, वेरियंस ए, रूट 6 6 36 12, हाँ जी 36, क्योंकि मानक विचलन बराबर अंडर रूट वेरियंस। अब यहाँ से वेरियंस से रूट हटाओगे तो यहाँ तो स्क्वायर ही हो जाएगा ना, तो मानक विचलन का वर्ग बराबर वेरियंस। ठीक है, तो मानक विचलन बराबर अंडर रूट प्रसरण था, और इस बार मानक विचलन कितना है 6, और पूछा क्या प्रसरण, तो रूट हो जाएगा, इस रूट हटेगा तो स्क्वायर, तो ये है 6 अंडर रूट में प्रसरण, रूट हटेगा तो 6 का स्क्वायर बराबर प्रसरण, जो कि हो जाएगा 36। ठीक है, तो भैया प्रास का आ गया सवाल, ये हो गया, तो ये आगे भी सवाल प्रास का। सवाल ये है, पहले 7 अभाज्य संख्याओं का, पहले 7 अभाज्य संख्याओं का प्रास क्या होगा, रेंज, पहले 7 अभाज्य संख्याओं की रेंज क्या होगी, 15, 8.3,
9 और 17। देखें, और सभी ऑनलाइन लोगों का स्वागत भैया। प्रदीप कुमार, आकाश मंगेल, बहुत बहुत स्वागत। हाँ जी, पहले 7 आवास संख्याओं प्रास। कितना? 15। तो आवास संख्या वो संख्या है जो खुद से कटें, एक से कटें, किसी और से ना कटें। तो आवास संख्या भैया 2, 3, 5, 7, 11, 13। कितनी चाहिए? 7 चाहिए। 13 और 17 हो गई 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और प्रास होता है सबसे बड़ी माइनस सबसे छोटी। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी यानी कि प्रास रेंज 17 माइनस 2 यानी कि 15। तो ये जो डेटा आपके पास है इसकी रेंज 15 है, ठीक है? 15 के बीच में ये घूमेगा। ये देखें भैया, एक सवाल ये हो गया सिंपल। रेंज पूछी है तो बड़ी में से घटा देंगे छोटी। आवाज संख्या हमें याद होनी चाहिए, ठीक। अगला देखें, एक सवाल ये है, 3 संख्याओं का माध्य 20 है। 3 संख्याओं का माध्य 20 है, इस डेटा का परास भा रहे हैं। इस डाटा का परास 12 है, जबकि 2 छोटी संख्याओं का अंतर 3 है। जबकि 2 छोटी संख्याओं का अंतर 3 है, जबकि 2 छोटी संख्याओं का अंतर 3 है, बड़ी संख्या बताओ। अट्ठाईस, 25, 27, 24। सत्ताईस, बड़ी संख्या। तो देखो माध्य दिन का कितना है? 20, ठीक है? तो माध्य दिन का 20 है और संख्याएं हैं 3। तो ऐसा मान लें, ए बड़ी है बी से और बी बड़ी है सी से, मान लें, ठीक है? तो परास क्या होता है? सबसे बड़ी माइनस सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी ए और सबसे छोटी सी। तो ये जो 12 परास है ना, इसका मतलब होगा ए माइनस सी बराबर 12। अच्छा, अब 2 छोटी संख्याओं का अंतर 3 है। अब 2 छोटी कौन है? बी सी। तो इसका मतलब होगा बी माइनस सी बराबर 3। एक ये बात हो गई समीकरण। अच्छा, इन तीनों का औसत कितना है? 20। एक संख्या 20 के बराबर, 3 संख्याएं 60 के बराबर। तो फिर एक बात हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60। इन तीनों के माध्यम से ए का मान पता करना है। सबसे बड़ी तो ए ही है ना, सबसे बड़ी तो ए ही है। इन तीनों की हेल्प से क्या पता करना है? ए का मान, ठीक है? तो देखो, आप चाहो तो इन दोनों इसमें से ना, इस वाले को घटा दो, इस वाले में से क्या घटा दो? इस वाले को। तो जब इसमें से इसे घटा दोगे तो बी से कट गया बी, माइनस माइनस प्लस ए प्लस 2 सी, घटा दो 57। सही है?
पहले में से तीसरे को हटाएंगे तो ये आ गया। अब चाहिए कौन, ए। ए चाहिए तो सी हटना चाहिए, तो इसके दुगने को, इसके दुगने को नीचे ले आओ और जोड़ देना, तो दुगना कितना होगा इसका, 2a - 2c बराबर 24। जोड़ना भैया, 3c 3a = 7 और 4 70 70 81, तो a बराबर 27। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी संख्या a है वो 27 होगी। ठीक है, क्या चीज दूसरे और इनसे, अच्छा घटाओगे ना तो a - b की वैल्यू आएगी। ऐसा है, कुल मिला के एक बार ध्यान रखना, सीधी सी बात है, a+5 = 8, क्या a का मान निकल जाएगा, आ जाएगा, क्योंकि कितने वेरिएबल हैं, एक ही तो इसमें चर राशि है और एक समीकरण है, तो एक समीकरण एक चर राशि को हल कर सकता है। सही है, अगर होता ये कि a+b = 8, तब तो निकाल लेते a का मान, नहीं एक और चाहिए, एक और चाहिए, मान लो a - b = 2, कितने वेरिएबल हैं, दो चर राशियां हैं ना, जब दो चर राशियां हैं तो दो समीकरण होने चाहिए, और दो समीकरण होगा, ये हल हो जाएगा, कुछ भी कर लेना होगा। सही है, कितने इसमें वेरिएबल हैं, 3, कितने समीकरण हैं, हल होगा ही होगा, अब चाहे दूसरे तीसरे कर लो, पहले तीसरे कर लो, होना ही होना है। सही है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, जब तीन इसमें चर राशियां हैं और तीन समीकरण हैं, हल होने के लिए बनाई है, चार चर राशियां होंगी तो चार समीकरण चाहिए, नहीं तो हल होने में दिक्कत होगी, बशर्ते कि उसे बनाया ऐसे गया हो कि वो हल ना हो, अगर मतलब बना दिया ना हल होने के लिए बनेगा, कट जाए ऐसी वैल्यू, तो ऐसा हो सकता है चार के भी हम सारे लेकिन हल नहीं कर पाओगे, चारों नहीं हल होंगे, इक्का दुक्का कोई वैल्यू निकल गई सेम होने की वजह कट के कोई आंसर आ गया, अलग बात है, चारों अगर हल करने हैं तो चार समीकरण होने चाहिए थे। ठीक है, तो कैसे भी करोगे बात बन जाएगी। ये देखना भैया, एक पॉइंट छूट गया हमसे, अब हो जाएगा, चलो एक पॉइंट छूट गया है, सवाल ये है, प्रसरण चेक करेंगे इसे, ठीक चलिए, रेंज के तो कई सारे सवाल हैं वो हमने कर ही लिए, ठीक है भैया, एक सवाल, सवाल ये है, तीन संख्याओं का माध्य, तीन संख्याओं का माध्य 35 तथा, तीन संख्याओं का माध्य 35 तथा आंकड़ों का परास 24 था, आंकड़ों का परास 24 था। ठीक है, सबसे बड़ी और बीच वाली संख्या के मध्य अंतर
सबसे बड़ी और बीच वाली संख्या के मध्य अंतर। सबसे बड़ी और बीच वाली संख्या के मध्य अंतर, सबसे छोटी और बीच वाली संख्या के मध्य अंतर से सबसे छोटी और बीच वाली संख्या के मध्य अंतर से 3 गुना था। ठीक है, इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ठीक है, ए 51, बी 50, सी 49, डी 52। इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या, हाँ जी भैया, मनी कोई बात? चलिए तो देखें भैया, माना कि तीन संख्याएं जो हम मान रहे हैं वही पहले की तरह ए बड़ा है बी से, बड़ा है सी से। तो अब ये जो तीन संख्या है ना आप पे, ए बी सी, इनका माध्य 35 है, बाद में देखेंगे। वो चीज है कि इनका परास 24 है। परास कितना है? 24। तो आप जानते हैं 24 क्या चीज है? इन दोनों के बीच का अंतर 24 होगा, पहली और आखिरी के बीच का अंतर 24। अब सबसे बड़ी और बीच वाली, इनके मध्य जो अंतर है, यानी कि ये वाली चीज, सबसे छोटी और बीच वाली के मध्य जो अंतर है, यानी ये चीज, इससे 3 गुना है। यानी कि इनके बीच में अंतर 1 यूनिट का है, तो इनके बीच में 3 यूनिट होगा, नहीं होगा? सबसे बड़ी और बीच वाले का अंतर सबसे छोटी और बीच वाले के अंतर से 3 गुना, 3 1, और इन दोनों का सबका अंतर कितना है? 24। इस 24 को 3 1 में बांट दे, 24 को 3 1 में बांटे। तो जब 24 को 3 1 में बांटोगे तो 3 और 1 4 = 24। इनके बीच का अंतर 1 है, इनके बीच का अंतर 3 है, तो इन सबके बीच का अंतर कितना है? 24। तो 3 और 1 4, 4 6 24, 1 = 6 और 3 = 18 है।
यानी इनके बीच में अंतर 6 है, इनके बीच में अंतर 18 है। कितनी बार समझे? अब तो आप कैसे भी कर लो, एक्स लगा लो तो भी हो जाएगा। माना कि सबसे छोटी एक्स, सबसे छोटी एक्स, बीच वाली 6 बड़ी एक्स प्लस 6, ये वाली इससे 18 बड़ी, 18 18 नहीं आएगा, 6 6 या 18 ही आएगा, ठीक है। तो एक्स बराबर 18 और 6 24, इनका औसत कैसे होगा? तीनों को जोड़ोगे, 3x+30, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ऐसा करने से औसत आएगा, ऐसा करने से औसत आएगा कितना आएगा? x+10, और औसत तो 35 है ना, बराबर 35, तो x=25। यानी ये 25 है पहली संख्या, तो ये 25 और 6 31 है, 25 और 24 49 है, सही है, सबसे बड़ी 49। ऐसे बात बन जाएगी। एक्स सबसे छोटे को मान लिया था मैंने, एक्स 6 बड़ी, एक्स प्लस 6 इससे भी 18 बड़ी, तो 18 और 6 24। हाँ, इनके बीच का अंतर 24 है, और अंतर किस अनुपात में है? 3:1 के अनुपात में। 3 और 1 4 यूनिट बराबर, 4 यूनिट बराबर 24, 1 यूनिट बराबर 6, तो 1 बराबर 6, 3 बराबर 18, ठीक है, 1 बराबर 6 और 3 बराबर 18। आई बात समझ में? नहीं आई? ओके, यहां तक समझ में आ गया? 18 और 6। माना कि सी बराबर एक्स, तो बी बराबर 6 बढ़ा के x+6, ए बराबर बी से भी 18 बढ़ा के, 18 जोड़ो इसमें, इतना औसत क्या होता है? तीनों का योग बटे 3, औसत आया x+10, और औसत है 35, तो x+10 = 35, x = 25। अब x = 25 की वैल्यू यहां लगाओगे तो सी का मान, यहां 25 लगाओगे तो बी का मान, यहां 25 लगाओगे तो ए का मान। हो गया अगला सवाल। एक वो फॉर्मूले वाले सवाल नहीं आए इसमें? हाँ आ गए, ये भैया वो फॉर्मूला वाला जो कल लगाया था, ठीक है, वो ये है। तो वो जो फॉर्मूले आपने लिखे थे ना, इसमें एक बढ़ा लेना यहाँ पे, इसमें इन तीनों के बीच में फॉर्मूला कल लिखा दिया था, वैसे फिर भी बढ़ा लीजिए। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्य का -2 गुणा माध्य, एक ये फॉर्मूला, 3 - 2 मीन, ये और लिख लो, ठीक है। तो इसके सवाल भी आपको डायरेक्ट मिल जाते हैं, जैसे कि मिल गया, हो गया। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्य का -2 गुणा मीन, 3 गुणा माध्य का 2 गुणा मीन। चलिए, तो सवाल, यदि माध्य
यदि माध्य, यदि माध्य और माध्यिका के मान, माध्य और माध्यिका के मान क्रमशः, माध्य और माध्यिका के मान क्रमशः 4 और 5 है, तो बहुलक ज्ञात करें। तो बहुलक ज्ञात करें, 11, 7, 5, 9। हो गया कितना? 7। चलिए सवाल छोटा है लेकिन इसमें तीन, इसका तो हो गया कर 7, है ना। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका यानी 5, माइनस 2 गुणा माध्य यानी 4, 15 माइनस 8 यानी कि 7। ठीक है, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका और माध्य। ये सवाल छोटा है लेकिन इसमें क्या किया ना, तीनों चीजों को एक साथ लपेट लिया। सवाल ये है, दिए गए आंकड़ों के माध्य, माध्य का बहुलक, माध्य माध्य का तथा बहुलक, माध्य माध्य का बहुलक का योग ज्ञात करें। अब इसमें तीनों चीजें पूछ ली तो तीनों निकालने पड़ेंगे और उन्हें जोड़ना पड़ेगा। 9, 35, 20, 25, 25, 15, 25। ए 75, बी 72, सी 47, डी 50। तो इसमें आपको तीनों चीजें निकालनी पड़ेंगी और उसे जोड़ना पड़ेगा। हाँ जी, 72। तो पहले तो आपको निकालना पड़ेगा माध्य, जोड़ लो इन्हें। तो 25, 15, 25, 25, 50, 25, 75, 25, 75 और 15, 80, 90, 90 और 20, 110, 110, 145 और 9, 145 और 9, 154। तो माध्य 154/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 माध्य का। तो माध्य का होती है जो मध्य में आती है। तो कितने पद हैं ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 हैं। अगर 7 है तो माध्य का कौन सी होगी? चौथे नंबर की। चौथे नंबर का पद ढूंढे, सबसे पहला 9, सबसे छोटा यही है, इससे बड़ा कौन है? फिर 15, 2, उससे बड़ा कौन है? 20, 3, उससे बड़ा कौन है? फिर तो 25 ही है।
चार तो माध्य का 25, तो मध्य में 25 ही तो आएगा चौथा नंबर पे। ठीक है, अब इसके बाद कौन चाहिए? बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आया हो। तो ज्यादा बार तो मुझे दिख ही रहा है 25 ही आया है, सही है, तो बहुलक 25 ही होगा क्योंकि सबसे ज्यादा बहुलक ही आया है, 25 ही ये दिख रहा है हमें बहुलक। तो 25 और इन तीनों का योग 25, 25 50 और 12 22 72। ठीक है, तो माध माध्य का बहुलक तीनों का योग। तो सवाल छोटा था लेकिन तीनों चीजों का योग पूछवा लिया तो उसमें काम बढ़ गया। ठीक है, ऐसे अगला सवाल, तीनों का योग नहीं पूछवाया, तीनों चीजों को एक नए फॉर्मूला डलवा दिया है। पहले तीनों निकलेंगी, फिर जो फॉर्मूला दिया है उस फॉर्मेट में डालनी पड़ेंगी। ठीक है, ये समझ में आ गई बात? ये 22 आ गया कुल पदों को बटे कुल पदों की संख्या, माध्य का 25 समझ में आ गई कैसे? क्रम से लगाएंगे तो बीच में 25 आएगा, वेरी गुड। चलिए तो बस सवाल अगला, माना एक समुच्चय, माना एक समुच्चय S 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 है एक समुच्चय, तो बताना है 4 गुणा माध्य प्लस 2 गुणा बहुलक माइनस 8 गुणा माध्य का बराबर क्या? सही है, ऑप्शन ए -4, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 4। तो वही कहानी, तीनों चीजें निकालनी है। और फिर जिसकी बात कर रहा है प्रदीप कुमार, वॉइस आवाज नहीं आ रही प्रदीप, हेलो हेलो आ रही है प्रदीप आवाज? तो बताओ कमेंट करके, आवाज नहीं आ रही क्या, या आ रही है या कम आ रही है? हाँ तुलसी देखना आ रही है आवाज, नहीं आ रही? अरे यार यहाँ तो शो हो रही है आवाज। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो आई? हाँ 30 सेकंड लगते हैं, 12 13 सेकंड लगते हैं, ऐसा नहीं कि बोल दिया और आ गई, आवाज़ ट्रांसफर होने में 10 सेकंड लग जाते हैं। आ रही है? चलो आ रही, आ गया -4। तो पहले निकाले माध्य, सही है, तो जोड़ लो भैया, 4 चौक 16, 16 और 27, 16 और 10 9 है सॉरी, 16 और 9 25, 25 और 5 30, और 30 बटे कितने है ये? 1 2 3 30 बटे 10 3, तो माध्य हो गया 3, 4 गुणा 3 2 गुणा बहुलक, बहुलक 4 ही तो है, सबसे ज्यादा बार 4 ही आया है, सही है, -8 गुणा माध्य का। अब माध्य का देखो ये कितने हैं, 10 हैं, 10 हैं भैया, तो 4 यहाँ छोड़ोगे, 4 यहाँ छोड़ोगे, बीच में कौन बचा? 3, जोड़ के आधा तो 3 ही आएगा, सही है, अगर बीच में 2 बचेंगे तो जोड़ के आधा, 3 प्लस 3 बट्टे 2, 3 और 3 6 बट्टे 2 3, सही है, बस सॉल्व कर दो, 12 प्लस के 8 -के 8 या 24, तो 12 8 20, 20 में 24 घटाओगे -4, तो आंसर होगा ए। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि बेसिक सारी चीजें तो हो चुकी हैं, अब बस 2 सवाल रह गए हमारे, माध्य का और बहुलक के चार्ट वाले क्वेश्चन। उस पर मैंने आज इसलिए नहीं किया, पहले छोटी छोटी बातें निपटा दी, वो चीजें ढंग से समझ नहीं आपको, फॉर्मूले से खैर लिखा दूंगा, होता कुछ नहीं है, 2 दिन बाद भूल जाते हैं फॉर्मूला भी। ठीक है,
फॉर्मूले से समझेंगे एक बार, ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको प्रैक्टिकल वे में सिखाऊंगा कि ना कैसे कैसे उसे याद रखना है लंबे टाइम तक, स्टेप बना के ऐसे समझाऊंगा जो आसानी से आंसर आएंगे, जैसे इनके आ रहे हैं ऐसे उसके आ जाएंगे, ठीक है। तो कल पहले मेन काम वो है, माध्यिका और बहुलक, दो चीजें हो गई। इसके बाद में उसके बाद आएगा DI, स्टेटिक्स का पार्ट है, अभी पैट में भी आने वाली है DI, तो इसके बाद DI की प्रैक्टिस करते हैं। वैसे भी मैंने पैट में जितने पेपर में जितनी DI आई थी या और रिलेवेंट जितनी भी थी उन सब की PDF भी बनवा दी है, ठीक है, तो उसी की प्रैक्टिस लगवा देंगे DI की सारी, जितना भी रिलेवेंट डेटा अभी आपके पिछले वर्षों में रहा है, सही है, तो इसी को DI को लगा के स्टैटिक्स पूरी हो जाती है, ठीक है। और बाकी कुछ क्वेश्चन थ्योरिकल आए थे लेखपाल वेखपाल के, कुछ DI में थ्योरिकल, वो एंड में देख लेंगे, ठीक है, बस इतनी सी बात है। हो गया, आपको तो समझ में नहीं आई ये सब कुछ है, लग नहीं रहा आपकी शक्ल देख के आज के समझ में आ रहा है सब, सही है, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बस भैया कल मैं आपको माध्यिका और बहुलक का चार्ट करा के, DI करा के और स्टेटिक्स खत्म, क्या मनोज भैया सही बात है, बहुत सही बात है, ओके भैया आकाश जी आ रही है आवाज़, ठीक है, ओके भैया, तो मिलते हैं कल।